फर अंग्रेजी बोलचाल के लिए थ्री स्टेप फार्मूला जो बताता हूँ कि पहले लिसनिंग की ट्रेनिंग, फिर लिसनिंग की प्रैक्टिस और फिर स्पीकिंग की प्रैक्टिस। तो आओ लिसनिंग की ट्रेनिंग में कैप्टन फिलिप्स का अगला सीन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है शेन, क्या बोल रहा है? Get those keys off your hip, put them in your pocket. ये क्या बोल रहा है? Get those keys off your hips. अच्छा, get those. यहाँ पर टेक्निकल बात और कीजिए, मकसद तो मेरा यहाँ पर आपको डेमो करना होता है, सिखा रहा होता हूँ आपको, जितना आप यहाँ सीख सकते हैं सीखें, वैसे फुल कोर्स में बड़ी तफसील से मैं सिखाऊंगा। गेट दोज, यहाँ पर सिचुएशन आ गई, गेट के आखिर में टी आ गया है, दोज के शुरू में टी आ गया। तो अगर ऐसा हो जाए कि सेम साउंड या सेम लेटर पिछले वर्ड पर ख़त्म हो और अगला वर्ड उसी से शुरू हो, तो आप उन्हें गेट दोज अलग नहीं करेंगे, यानी लिटल लैम्प अलग नहीं करेंगे। इसी तरह की और भी सिचुएशन होगी तो आप उन्हें कंबाइन कर देंगे, यानी टी यहाँ पर अलग अलग नहीं बोला जाएगा बल्कि ओवरलैप हो जाएगा। गेट दोज नहीं, गेट दोज कीज ऑफ योर हिप्स। ये जो उसने लटकाई है ना, उसके जो स्टाफ ने जो चाबी है वो साइड पर अपने जेब के साथ लटकाई हैं, वो बेल्ट के ऊपर लटकाई हुई है, ये देखे ना, नजर आ रही है। गेट दोज कीज ऑफ योर हिप्स, अपनी हिप कहते हैं ये वाला हिस्सा जो आपका जहाँ पर आप बेल्ट बांधते हैं। गेट दोज कीज ऑफ योर हिप्स, अपनी चाबियों को अपने हिप से अलग कर लो। पुट देम इन योर पॉकेट, पुट देम, सुनिए, गेट दोज कीज ऑफ योर हिप, पुट देम इन योर पॉकेट। पुट देम, पुट देम की बजाय क्या बोला है? पुट देम, पूरी बात क्या है? पुट देम इन योर पॉकेट, चाबियों को यानी इन्हें इन योर पॉकेट, उन्हें डाल लो अपनी अपनी जेब में। गेट दोज कीज ऑफ योर हिप्स, पुट देम इन योर पॉकेट। सब पुट देम नहीं बोला, फुरम। ये क्या ऐसा हुआ है कि जो आमतौर पर आपने सुनोगा वैसे रिडक्शन होती है, कैन नॉट, कैंट, ठीक है, इज नॉट, इजंट, ये हो गई लफ्जों की रिडक्शन हो गई। तो ये देम का जो रिडक्शन है ना, इसमें आपको टी एच उड़ा दिया जाता है। आमतौर पर आप देखते हैं कि लफ्जों का अगला हिस्सा उड़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने फुटेम नहीं सुना, फुरम सुना, सुने, फुरम। ये पुट का जो टी है वो आर में कन्वर्ट कर दी है। जब भी टी आर में कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए बोलने वाला अमेरिकन लैंग्वेज बोलने वाला है। फुरम, फुर आगे देम को रिड्यूस करके फुरम, लिख भी देता हूँ, फुरम इन योर पॉकेट, इनको अपनी जेब में डालो। Come on guys, जल्दी करो, जल्दी लड़को, जल्दी करो। Pirates capture you and find those keys, they'll have access to every door on this ship. ये उसी लड़के को जिसको उसने कहा है कि अपनी चाबियों को जेब में डालो, बात उनको कमान बाकी लड़कों को कह के वापस उसी को मुखातिब किया। क्या मुखातिब किया? आपको फिक्र हो रही होगी कि बड़ा तेज बोल गया तो हमें समझ नहीं आई। मैं आपको एक एक चीज रोक के बताता हूँ, आपने घबराना नहीं है। इसी काम के लिए बैठा हूँ, लिसनिंग की ट्रेनिंग मैं देता हूँ ताकि जो अंग्रेजी आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है वो आपको आसान लगने लग जाए। मेरी ट्रेनिंग लेके उसके बाद आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे इस तरह के ड्रामों को, सीजन को, तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी।